को लाए हैं फिर से हम उनको लाएंगे। आजाद भारत की आवाज और आप देख रहे हैं न्यूज न्यू इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जनपद बहराइच के कैसरगंज 288 से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहां से गौरव वर्मा को नियुक्त किया है। और आज जब वो घाघरा घाट संजय सेत पर पहुंचे, वहां से लेकर बहराइच तक इनका भव्य तरीके से माल्यार्पण करके वह कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से नारा लगा के इनका स्वागत किया है। और अब गौरव वर्मा मेरे बीच में मौजूद हैं। तो भाई, पहले मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपका स्वागत करता हूं और क्या कहना चाहिए आपको, बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अशोक जी, जी कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज आपने घाघरा घाट से लेकर बहराइच तक जहां जहां भी कार्यकर्ता ने हमारा स्वागत किया है जी, उसको कवरेज देने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो गांव गरीब किसान इसके उत्थान का जो संकल्प लिया है उसी उत्थान को समर्पित हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और इस आगामी विधानसभा चुनाव में मुझे कैसरगंज विधानसभा का अपना सिपाही नियुक्त करके यहां भेजा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपने शीर्ष संगठन का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी उम्मीदों पर मैं पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ऐसी कामना के साथ मैं अपने क्षेत्र के वासियों का भी बहुत बहुत आभार स्नेह व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमको अपना बेटा भाई मानकर आज हमारा स्वागत किया है, मैं उसका आजीवन ऋणी रहूंगा। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, संघर्ष बहुत जो है तगड़ा होगा क्योंकि 88 जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। और अगर यहाँ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो आगे भविष्य में क्या करने का विचार है, उस पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से हमारी मोदी जी की और योगी जी की सरकार गांव के विकास के लिए संकल्पित है जी। उसकी उसी कड़ी में मैं अपने क्षेत्र के लोगों के आंसू पोंछने का काम करूँगा, उनके सुख सुविधाओं के लिए जो भी संभव होगा उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये और अंत में अपने कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जिस प्रकार से मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत और आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व जगत में फैलाया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का ही आशीर्वाद है कि आज भव्य राम मंदिर बनने की ओर संकल्पित है। काशी विश्वनाथ हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ की जो नगरी को हमारे मोदी जी ने हमारे इन कार्यकर्ताओं के एक एक मेहनत एक एक वोट के बदौलत उन्होंने काशी विश्वनाथ को खड़ा किया है, निश्चित ही हमारी भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से योगी और मोदी आगे लेके जा रहे हैं उस नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता लगकर भारत का यशोगान करने वाला है और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही कैसरगंज में पुनः एक बार कमल खिलेगा और योगी जी के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले रही है और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे बीच में आदरणीय गौरव भैया जी थे जो आज से युद्ध स्तर पर अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार के द्वारा किए गए कामों का बखान भी करेंगे तथा अपने पक्ष में मतदान करने के लिए भी ये लोगों से अपील करेंगे। देख रहे लाखों सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ। इस वीडियो को आप निरंतर लाइक करते रहिए व शेयर करते रहिए। न्यूज न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा बहराइच कैसा। आज हम आपको लाए गए जनपद बहराइच के घाघरा घाट संजय सेत के बिल्कुल नजदीक। आप देख रहे हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ बहराइच का वाहन यहाँ मौजूद है और आज उनके नेतृत्व में यहाँ घाघरा घाट पर भव्य स्वागत होगा भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 288 के प्रत्याशी गौरव वर्मा का। आप देख रहे हैं प्रमोद गुप्ता लोकतंत्र सेनानी भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और यहां पर चर्चा हो रही है। और इधर तस्वीरों में आप देख रहे हैं मंडल अध्यक्ष जरवल पवन वर्मा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विक्टर बना करके यहां पर उद्घोष कर रहे हैं। दोस्तों, घाघरा नदी
के बाहर की पिक्चरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, बोर्ड दिखा रहा हूँ, सीमा समाप्त, यहाँ से सीधे बाराबंकी शुरू हो जाता है। और इधर अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नवनीत कौशल भी मौजूद है और यहाँ पर सभी लोगों के हाथों में मालाएं है। बस चंद मिनटों के बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 288 के युवा प्रत्याशी हर दिल अजीज लोकप्रिय नेता गौरव वर्मा का आगमन होगा, जो सीधे लखनऊ से आज विधानसभा कैसरगंज लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग से होते वो बहराइच जिला कार्यालय पहुंचेंगे। यहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी, सामने गौरव वर्मा का वाहन पहुंच चुका, तस्वीरों में आप देख रहे हैं माल्यार्पण करने की होड़ लगी हुई दोस्तों। और आज घाघरा घाट से लेकर बहराइच तक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज गया। यहां पर आप देख रहे पुष्प वर्षा भी हो रही है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता है वो यहां पर पुष्प वर्षा कर रही है। अरुण कुमार श्रीवास्तव की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जो एनजीओ प्रकोष्ठ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहां पर महिला जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पुष्प वर्षा कर रही है और पुष्प भेंट करके गौरव वर्मा भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 288 से प्रत्याशी का स्वागत अभिनंदन कर रही है दोस्तों। सीधे ये गौरव वर्मा अपने वाहन पर सवार होंगे और निकल लेंगे आज विधानसभा कैसरगंज बहराइच कार्यालय के लिए। यहां पर प्रमोद गुप्ता से मिलकर के गौरव वर्मा ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया, ये सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पुष्प वर्षा चल रही है दोस्तों। और अब हम आपको सीधे ले जाएंगे जरवल रोड तिराहे के पास, जहां पर भव्य स्वागत होगा गौरव वर्मा का। आज गौरव वर्मा का जगह जगह पर स्वागत अभिनंदन होगा दोस्तों। ये सीधे आप देख रहे हैं गौरव वर्मा की तस्वीरों को, जरवल रोड बस स्टॉप के पास की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जहां पर मोनू मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी से युवा कार्यकर्ता है, आप देख रहे हैं मोनू मिश्रा ने केक काट करके गौरव वर्मा को खिलाया तथा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज गया। प्रदीप जायसवाल भी मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी है, यहां पर वो गौरव वर्मा को केक खिला रहे हैं दोस्तों। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त जरवल रोड बस स्टॉप की तस्वीरों को देख रहे हैं। मैं सीधे अब आपको रिठौड़ा ले आया हूं, ये रिठौड़ा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जहां पर माताओं बहनों से पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं गौरव वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा 288 के प्रत्याशी हैं दोस्तों। यहां पर माताओं बहनों ने आशीर्वाद भी दिया दोस्तों, तस्वीरों में आप देख रहे हैं हाथ रख करके गौरव वर्मा को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। मैं सीधे अब आपको ले आया हूं धनराजपुर, ये धनराजपुर के बाहर की पिक्चरों को आप देख रहे हैं, बिल्कुल नजदीक में आपको धनराजपुर होते हुए मैं ले आया हूं परसा, ये परसा के बाहर की पिक्चरों को आप देख रहे हैं, जहां पवन वर्मा मंडल अध्यक्ष के साथ गौरव वर्मा को भी माल्यार्पण करके उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा 288 कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव वर्मा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। परसा में स्थापित प्राचीन मंदिर में पहुंच करके गौरव वर्मा ने भगवान से आशीर्वाद लिया और जय जयकार किया दोस्तों। तस्वीरें सीधे परसा के मंदिर से देख रहे हैं, मैं आप सीधे आपको ले आया हूं जरवल, जहां पर आप देख रहे हैं सौरभ कसौंधन ने अंग वस्त्र देकर के गौरव वर्मा का स्वागत किया। अभिजीत गुप्ता की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जो नारा लगा रहे हैं साथ में देख रहे हैं, अभिजीत गुप्ता की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं अभिजीत गुप्ता। राजा कसौंधन भी मौजूद है इस वक्त जरवल पुलिस चौकी के पास, गुप्ता मेडिकल स्टोर के बाहर की पिक्चरों को आप देख रहे हैं, जहां पर गौरव वर्मा का भव्य स्वागत किया गया है दोस्तों। कहना का मतलब ये कि जगह जगह आज गौरव वर्मा का स्वागत होगा। मैं तस्वीरों में आपको इस वक्त ले जा रहा हूं आगे, अब आपको मैं दिखा रहा हूं परमहंस डिग्री कॉलेज, ये परमहंस डिग्री कॉलेज के बाहर की पिक्चरों को आप देख रहे हैं। परमहंस डिग्री कॉलेज पर भी जब गौरव वर्मा अपने काफिले के साथ पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और गौरव का भव्य तरीके से स्वागत अभिनंदन किया। दूसरी तरफ अब मैं आपको ले आया हूं कैसरगंज, ये कैसरगंज की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, कैसरगंज में भी गौरव वर्मा का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। कैसरगंज के जो प्रमुख है
संदीप सिंह बिसेन के नेतृत्व में यहाँ पर गौरव वर्मा का भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद गौरव वर्मा यहाँ पर सीधे हनुमान मंदिर जो हुजूरपुर कैसरगंज रोड पर स्थापित है यहाँ पर पहुंच करके उन्होंने बजरंगबली प्रभु से आशीर्वाद लिया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं संदीप सिंह बिसेन प्रमुख कैसरगंज, वो भी मौजूद है। नीरज श्रीवास्तव जो भारतीय जनता पार्टी से मीडिया प्रभारी है वो भी मौजूद है। अब मैं आपको सीधे ले आया हूँ, ये बिल्कुल नजदीक कुंडासर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जहाँ पर सुवेद वर्मा भी मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर कुछ माताओं बहनों ने गौरव वर्मा को आशीर्वाद दिया। दोस्तों तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई हजारों की संख्या में माताएं बहनें यहां मौजूद थी। गौरव वर्मा ने पैर छू करके आशीर्वाद लिया और ये सीधे तस्वीरें अब आपको देवलखा पखरपुर के साथ मैं आपको ले आया हूं। पखरपुर में भी स्थापित एक प्राचीन मंदिर है जहां पर गौरव वर्मा पहुंचेंगे और यहां पर भी वो भगवान से आशीर्वाद लेंगे। सीधे मंदिर में वो दाखिल हो चुके हैं, मंदिर के अंदर पहुंच चुके गौरव वर्मा, आशीर्वाद लिया वापस आए। मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं यहां पर एक मुस्लिम महिला ने गौरव वर्मा को आशीर्वाद दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं गौरव वर्मा को मुस्लिम महिला ने आशीर्वाद दिया। सीधे अब हम आपको पखरपुर से और आगे लाए जहां पर आप देख रहे पांडे जी ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सीधे तस्वीरें आपको मैं पकड़पुर से आगे और ले आया हूं, ये टिकोरा मोड़ के पास की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जहां पर गौरव वर्मा को शाल तथा स्मृति चिन्ह देकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया और जय जयकार किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए, मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। सामने तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं आपको अब ले चल रहा हूं मरी माता मंदिर। सीधे तस्वीरों में आप देख रहे हैं गौरव वर्मा पहुंच चुके हैं मरी माता मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पहुंच करके पुजारी का पैर छू करके आशीर्वाद लिया और ये सीधे मंदिर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जहां पर गौरव वर्मा मौजूद है। वीडियो को लाइक करते रहिए, इस वीडियो को निरंतर शेयर करते रहिए, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हम भविष्य में और वीडियो आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद।